हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि डेसिमल नंबर को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 5.84, इसको मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेसिमल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे आप पहले कर दें, कुछ ना सोचें, सिर्फ आप मल्टीप्लाई कर दें। देखिएगा, अभी हम डेसिमल भी नहीं लिखे हैं इसमें, आप सिर्फ मल्टीप्लाई करें। तो 24 48 और 2 50, 6 25 30, 5 35 और ये गया 4 8 5, इसको ऐड करेंगे 4 4, 8 5 3 बाकी 1 5 3 8 1 9, ये हुआ। अब क्या है, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन अगर आप करना है डेसिमल नंबर का, तो आप सबसे पहले जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर दें। डेसिमल वैसल कुछ भी दिमाग में भी ना रखें, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई कर देने के बाद लास्ट में आपको करना क्या है कि डेसिमल अब बैठाना है। तो डेसिमल बैठाना कैसे है कि डेसिमल यहाँ ये जो नंबर है इसमें देखना कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल है। तो 1 2 राइट साइड से काउंट करना है, राइट साइड से देखना है, 1 2, और 2 अंक के बाद ये डेसिमल है, ये 2 अंक के बाद ये डेसिमल है। तो हमको जो मल्टीप्लाई करके आया है, जो मल्टीप्लाई करके आया है उसमें भी हम 2 अंक के बाद डेसिमल देंगे राइट साइड से। तो 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल होगा, यही हो गया आंसर। ऐसे ही करते हैं, तो फिर अगले वीडियो लेते हैं, सॉरी अगला लेते हैं एग्जांपल। अगला एक एग्जांपल लेते हैं, 8.92 × 12, इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे आप करें। आप इस डेसिमल को ना भी लिखें तो नहीं लिखें तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है उससे। 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4, 9 × 18, 8 × 16, 17, 2 9 8, इसको ऐड करें, 4 7। अब मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखेंगे कि ये जो जिसमें डेसिमल है, जिसमें डेसिमल है, डेसिमल तो इसमें है, इसमें तो है नहीं, लेकिन जिसमें डेसिमल उसमें देखना है कितने कितने डिजिट के बाद, इसमें भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो यहाँ भी हम जो मल्टीप्लाई किए हैं 2 डिजिट के बाद 0 डेसिमल देंगे, तो यहाँ डेसिमल दे दिए, यही हो गया आंसर। फिर अगला एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल फिर लेते हैं। जैसे अब रहे, सपोज़ हम देते हैं इस बार दोनों तरफ लेते हैं। अब तो ये जो एग्जांपल लिए उसमें क्या था कि 2 डिजिट था, 2 नंबर था, और 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते थे तो किसी एक में डेसिमल होता था। तो अब दोनों में डेसिमल लेते हैं। तो दोनों में डेसिमल लेने से पहले आपको ये भी कर देते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी कर देते हैं, कि क्या था कि अब तक के इधर लेफ्ट साइड जो नंबर था उसमें डेसिमल बैठाए थे और इसमें नहीं बैठाए थे। तो अब क्या करेंगे कि लेफ्ट वाले जो नंबर है उसको वैसे ही रहेगा और राइट वाले में डेसिमल बैठाएंगे तो भी वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो सपोज अगर हम लें 4 पॉइंट नहीं लेना है इधर में, अभी इस बार पॉइंट नहीं लेंगे, 450 × 2.3,
इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जो आप मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे करें, चाहे इधर वाला रहे चाहे इधर वाला रहे, जो बड़ा रहे उसको ऊपर रखें और जो नीचे छोटा रहे उसको नीचे रखें। हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऐसे करें तो आपको ज़्यादा सहूलियत होगी, ईजी वे में बनेगा मल्टी। अभी डेसिमल नहीं लिखे हैं, अब करेंगे मल्टीप्लाई 15 3 10। अब डेसिमल बैठाएंगे यहाँ पे, एक अंक के बाद डेसिमल, एक अंक के बाद यहाँ पर डेसिमल बैठा दिए, ये हो गया आंसर। ये अगला लेते हैं, अगला एक एग्जांपल अब लेते हैं। अब क्या है कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो किस दोनों में से किसी एक में डेसिमल था, एक में नहीं था। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डेसिमल लेंगे, दोनों तरफ डेसिमल लेंगे, दोनों ही नंबर में डेसिमल रहेगा, तो उसको कैसे करेंगे। लेते हैं एक एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज रहे 7.2 × 3.4, ये है दोनों तरफ है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई तो वैसे ही सिंपली आप सिर्फ जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करें, डेसिमल उसमल का कोई भी माइंड में अभी नहीं रखें और करें मल्टीप्लाई। अभी मैं डेसिमल हम अभी नहीं रखे हैं, तो 4 × 8 = 28, 3 × 6 = 21, 8 = 4 = 2, ये हो गया। और अब इसमें डेसिमल कैसे बैठाएंगे, पहले तो था कि जिसमें डेसिमल होता था उसके राइट साइड से गिनते थे कितना अंक के बाद डेसिमल है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि इसमें भी एक अंक के बाद डेसिमल है, इसमें भी एक अंक के बाद डेसिमल है, तो आपको करना क्या है, दोनों का डेसिमल, जैसे इसमें भी डेसिमल है इसमें भी डेसिमल है, तो दोनों जो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1, और इसमें भी डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो दोनों टोटल कुल कितना डिजिट हो गया डेसिमल के बाद, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी 2 डिजिट हो गया डेसिमल के बाद। तो हमको 2 डिजिट के बाद यहाँ पर बैठाना होगा डेसिमल, तो यहाँ पर डेसिमल ऐसे बैठा देंगे, ये हो गया आंसर। तो इसमें अब हम बैठाए 2 अंक के बाद डेसिमल, ऐसे बैठाएंगे। अगला फिर लेते हैं, जैसे अगर 3.5 × 2.32 ऐसे लिख दिए, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप सिंपल पहले मल्टीप्लाई करें, सिंपली आप ऐसे, तो इसमें से कौन बड़ा है, इस दोनों में बड़ा कौन है, कौन सा नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है 3.5, क्योंकि ये 3 रुपया 5 पैसा है, और ये अगर पैसा रुपया पैसा हम बात किया जाए तो ये 2 रुपया 32 पैसा है, तो ये कम हुआ। लेकिन आप अभी अगर आप करेंगे तो अभी आपको करना है कि इसको मिटा देते हैं, हाँ, तो आप जितना ज़्यादा डिजिट है उसको ऊपर में रखें, तो ये ज़्यादा डिजिट है, ये 3 डिजिट वाला है और ये 2 डिजिट वाला है, तो इसको ऊपर रखें। आपको समझाने के लिए हम ये ऐसे करके बोल रहे हैं, और नीचे 35 इसको मल्टीप्लाई करें, 0 6 11 6 9 6 ऐड करेंगे, 0 2 1 6 7 8, ये हो गया। अब डेसिमल कितना डिजिट के बाद बैठाएंगे, तो दोनों में चूँकि दोनों में डेसिमल है, एक में डेसिमल, कोई एक में डेसिमल रहता था तो कोई दिक्कत ही नहीं था, उसी को सिर्फ
ये करते काउंट करते, लेकिन इसमें दोनों तरफ डेसिमल है तो डेसिमल के राइट साइड में कितना डिजिट है, इस अगर इस नंबर की बात किया जाए तो इस नंबर में डेसिमल के बाद एक डिजिट है और इस नंबर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो टोटल डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक इसका 2 इसका, तो यानी 3 डिजिट हो गया। तो इसमें जो डेसिमल पड़ेगा वो 3 डिजिट के बाद पड़ेगा, 1 2 3 यहाँ पे पड़ेगा, यही हो गया आंसर। तो अगला एग्जांपल फिर लेते हैं। अगला लेते हैं, अगर हम अब इसी तरह से आप करेंगे, तीन नंबर लेते हैं कोई, जैसे अगर है 5.12 × 6.11 × 3.2, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे के लिए, जैसे आप जब एलसीएम बनाते थे, एलसीएम जब निकालते थे तो उसमें लास्ट में ऐसे ही करके मल्टीप्लाई करते थे, ढेर सारा मल्टीप्लिकेशन रहता था और दो दो करके मल्टीप्लाई करते थे, तो उसी तरह से पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा फिर उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे करेंगे? हटा देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5.2, सॉरी आपको जैसे हम रूल बताएं वैसे ही आप करें। क्या बताएं कि ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, जो ज़्यादा डिजिट वाला है उसको ऊपर रखें, तो ये ज़्यादा डिजिट वाला है, ये 3 डिजिट है, इसमें इसमें 2 ही डिजिट है, तो 3 डिजिट वाला को ऊपर रखें, तो ऊपर रखेंगे, तो अभी डेसिमल नहीं लिखना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करें 2 2 12, ये रहा 5 5 30, तो ये 2 7 7 1 3, ये हो गया। अब इसमें डेसिमल बैठाएंगे, इसमें डेसिमल कैसे बैठाएंगे, ये जो है इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट इसका 1 डिजिट इसका, तो 3 डिजिट हो गया, तो इसमें जो है 3 डिजिट के बाद डेसिमल पड़ेगा, तो यहाँ पे डेसिमल देंगे, ये हो गया, ये दोनों के बाद इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इस ये जो मल्टीप्लाई करके जो आया उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो करें चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो अभी डेसिमल नहीं लिखेंगे, जब मल्टीप्लाई करना है तो उस समय डेसिमल नहीं लिखना है, तो 3 1 7 7 2, और ये हो गया 32 32, अभी हम डेसिमल नहीं लिखे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 3 5 9, अब इसको हम ऐड करेंगे 4 4, अच्छा 10 7 3 6 6 5 11 9 10, तो अब इसमें कितने अंक के बाद डिजिट देंगे? देखिए इसमें जो था 3 3 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो 3 3 डिजिट इसका हो गया और 1 डिजिट इसका हो गया, यानी 4 डिजिट, यानी 4 डिजिट के बाद डेसिमल पड़ेगा, 1 2 3 4 यहाँ पे डेसिमल पड़ेगा, हो गया आंसर। फिर अगला एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम ले लेते
0.16 और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.8 से, ठीक है। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो इसमें जो ज़्यादा डिजिट का रहेगा उसको ऊपर रखना है, तो ये ज़्यादा डिजिट का है उसको ऊपर रखें, तो 0 और 16 लिखेंगे तो ये 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है। आपको हम बताए थे पिछली वीडियो में, अगर आप देखा हुआ तो बताए थे कि लेफ़्ट साइड में जो भी 0 रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। हाँ, भले ही उस 0 के फिर लेफ़्ट में अगर कोई दूसरा डिजिट रहे, यानी कि 2 रहे या 3 रहे 4 रहे, यानी 0 को छोड़ के, तब इस 0 का वैल्यू है। लेकिन अगर कोई भी नंबर के लेफ्ट साइड में सिर्फ 0 है, चाहे वो कितना ही 0 क्यों ना हो, लेकिन वो 0 का कोई वैल्यू नहीं, वो 0 का आप लिखें या ना लिखें उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन डेसिमल रहता है तो फ़र्क पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर रहे डेसिमल 0.16, तो यहाँ क्या है कि यहाँ भी ये नंबर है और इसके लेफ्ट साइड में सिर्फ 0 है और 0 के अलावा कोई दूसरा डिजिट नहीं है, तो ऐसा नहीं कि इस 0 को कोई वैल्यू नहीं, ये 0 लिखा जाएगा हर हाल में। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल आ गया है। डेसिमल लिखा अगर लिखा हुआ रहेगा तब तो वो 0 लिखना ही होगा हर हाल में। हाँ, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नहीं। मल्टीप्लिकेशन में तो आपको डेसिमल हटा दीजिएगा तब तो फिर वही, अगर मान लीजिए कि अगर आपको देते मल्टीप्लिकेशन दूसरा कि आपको 0.016 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? ये डेसिमल तो लिखते नहीं आप, सपोज ऐसे अगर लिखते हैं और नीचे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है ये इसमें जो है अभी डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल नहीं है तब तो कोई वैल्यू ही नहीं रहता है 0 का, तो इसलिए 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ गुना करें और गुना करने के बाद जितना डिजिट के बाद डेसिमल है उसको आप बैठा दें। तो फिर से लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेसिमल नहीं लिखेंगे, सिर्फ 16 लिखें और नीचे 8 लिखें, तो 16 का तो पहाड़ा ऐसे भी जानते हैं इंसुलेटेड रेजा से, तो इसका हो जाएगा 128, ये हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब क्या करेंगे, डेसिमल पुट करेंगे, यो तो एक डिजिट इसका, दो डिजिट इसका, तो यह 3 डिजिट, तो 1, 2, 3 डिजिट के बाद यहाँ पड़ेगा। और आपको सिखाया था कि सिर्फ अकेला डेसिमल नहीं रहता है, उसके बाद लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, तो अपने मन से 1 0 दे दें, यहाँ दे दें। हालाँकि नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे दें, ये सही रूल है। तो ये हो गया आंसर। फिर एक अगला एग्जांपल लेते हैं, अगर लें 0.002 × 0.0025, इसको मल्टीप्लाई करना, तो देखने में तो ये बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन है एक्चुअली है ही नहीं इतना बड़ा। आपको डेसिमल मल्टीप्लाई करना है तो इस 25 को ऊपर करें, 25 डेसिमल नहीं लिखेंगे 2, क्योंकि डेसिमल जब नहीं लिखेंगे तो लेफ्ट साइड में जो भी 0 है उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए 0 हमने नहीं लिखा, तो ये हो जाएगा 50। अब लेकिन डेसिमल कितना डिजिट के बाद देंगे, तो 3 डिजिट ये हो गया और 4 डिजिट ये हो गया, 4×3 = 60 डिजिट के बाद डेसिमल देंगे, तो 7 डिजिट तो है ही नहीं इस 50 में, 7 डिजिट तो 7 डिजिट तो है ही नहीं, तो 7 डिजिट के बाद दें तो कैसे दें? तो उसका एक तरीका है, तरीका क्या है, 2 डिजिट तो ये ऑलरेडी है और बाकी हमको 5 डिजिट और रहना चाहिए, तो 5 डिजिट और रहने के लिए क्या करें, आप 0 बैठाते रहें, 50 बैठा दें, 1, 2, 3, 4, 5, थोड़ा सा इसको हटा के यहाँ लिखते हैं, मान लीजिए ये जो मल्टीप्लाई करके आया ये 50 आया, और हमको 7 डिजिट के बाद डेसिमल बैठाना है, तो 2 डिजिट ये हो गया और उसमें से 5 डिजिट और चाहिए, तो 5 डिजिट और लाने के लिए इसमें 50 उसके बाद दे दें, तो 1, 2, 3, 4, 5,
फाइव डिजिट हो गया। अब देखिए टोटल हो गया सेवन डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 सेवन डिजिट हो गया। सेवन डिजिट के बाद एक डेसिमल दे दें, और बताए थे जब डेसिमल के लेफ्ट साइड में कुछ नहीं रहता है तो अपने मन से एक जीरो बैठाया जाता है। तो ये हो गया आपका आंसर, ऐसे बैठाएं। इसी तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल और ले तो अगर हम, हाँ एक अलग टाइप का लेते हैं थोड़ा सा। अगर 8 0 80.324 लिखते हैं, 34 × 1.002 है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? वैसे ही आपको डेसिमल नहीं लिखना है, डेसिमल हटा दें, 2001। देखिए यहाँ पे जो है इसके बगल में जो ज़ीरो है इसको लिखे क्यों, क्योंकि उसके ज़ीरो के बगल में जो है कोई ज़ीरो के अलावा दूसरा डिजिट है वन, तो इसलिए लिखना पड़ा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करो आप कर ही लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा, मल्टीप्लाई कर भी लेते हैं, 8 6 0 4 4 3 0 8, फिर से वही, उसके बाद फिर एक डिजिट छोड़ के लिखते हैं, फिर से 4 3 0 8। अब उसके बाद फिर एक छोड़ के हम जब भी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो एक एक डिजिट छोड़ छोड़ के लिखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक डिजिट छोड़ दिए, यहाँ पे एक डिजिट छोड़ दिए, यहाँ भी छोड़ दिए, 4 3 0 8। अब इसको ऐड कर दें, 8 8 9 8, कितना डिजिट के बाद डेसिमल बैठेगा? 3 डिजिट इसका, 2 डिजिट इसका, यानी 5 डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पे डेसिमल बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। ये हो गया आंसर। तो ये तो रहा मल्टीप्लिकेशन। अब हम चलते हैं डिवीज़न में, नहीं मल्टीप्लिकेशन ही, आप मल्टीप्लिकेशन का पहले आप प्रैक्टिस करें और उसके बाद फिर हम डिवीज़न लाएंगे अगले वीडियो में। मल्टीप्लिकेशन का प्रैक्टिस करें और फिर डिवीज़न लाएंगे, डिवीज़न के बाद फिर से हम सिंप्लीफिकेशन में जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, आपको जो सिंप्लीफिकेशन बताया गया वो सिंपल एक समझिए कि एक इंट्रोडक्शन है। अभी सिंप्लीफिकेशन में बहुत कुछ पढ़ना है थोड़ा, ये क्योंकि डेसिमल का भी उसमें डेसिमल का भी एक टाइप आता है, तो इसलिए फिर डेसिमल हमको बताना पड़ा। तो डेसिमल वाला जो भी है डिवीज़न तक हम सीखेंगे, फ्रैक्शन तक सीखेंगे यूज़ डेसिमल का। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।